Good afternoon, everyone. Today we are beginning with the page number 18. We'll revise it quickly. This page contains the Indian heritage places. Heritage places वो होते हैं जिनको धरोहर घोषित कर दिया जाता है and in the point of history they are very important. Agra Fort, Uttar Pradesh. Ajanta Caves, there in Maharashtra. Archaeological sites of Nalanda, Mahavir at Nalanda, it's in Bihar. Buddhist monuments at Sachi, Madhya Pradesh. So here we will discuss certain facts which are related to it. So we'll beginning with the Agra Fort. See, Agra Fort, ye hai jo Akbar ki ek samay par fort hua karta tha. And when he switched the capital from Agra to Delhi, तो उसने क्या बनवाया, कहाँ शिफ्ट हुए, वो रेड फोर्ट में. तो पहले जो अकबर का जो राजधानी थी वो आगरा थी. And he used to live in Agra Fort. अजंता केव्स एंड दीज आर्कियोलॉजिकल साइट्स एट नालंदा महावीर, ठीक है, ये बहुत ही पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जहां पर अभी भी सर्वेस चलते हैं जिससे हमें पुरानी चीजों के बारे में पता चलता है. Now, Buddhist monument in Sachi, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, Bhopal mein Sachi Stupa hai, which was made by Ashoka and he was a great emperor. But beside that, he was also a very great disciple of Gautam Buddha. Bhagwan Gautam Buddha ki sharan mein wo gaya, ek yudh ke baad, लड़ाई के बाद उसके मन में बहुत ज्यादा विरक्ति हुई. He thought just for a piece of land there were so many people who were killed just because of his single desire. तो जब उसको ये रियलाइज हुआ लड़ाइयों के बाद कि मेरी एक इच्छा से, इस जमीन की एक इच्छा से इतने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, तो वो भगवान गौतम बुद्ध की शरण में गया और वो उनका शिष्य बना और उन्हीं की प्रीचिंग्स के लिए उसने बनाया था सांची स्तूपा. इट्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश. इट्स स्ट्रक्चर इज सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है और वहां पर भगवान जो गौतम बुद्ध हैं उनकी सभी शिक्षाएं, जो वो दीक्षाएं जो देते हैं वो सारी वहां पर कार्व्ड हैं दीवारों पर. एंड अदर थिंग इज दैट कि जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत ज्यादा अहिंसा में विश्वास रखते थे. Then there are Champaner Pavagarh Archaeological Park, it's in Gujarat. Chhatrapati Shivaji Terminus, जिसको पहले Victoria Terminus के नाम से भी माना जाना जाता था. Church in Convents of Goa, it's in Old Goa. Elephant Caves, Maharashtra. Ellora Caves, they are again in Maharashtra. Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh. Great Living Chola Temples, it's in Tamil Nadu. Group of Monuments of Hampi, it's in Karnataka. Group of Monuments at Mahabalipuram in Tamil Nadu. Group of Monuments at Patigal, it's in Karnataka. See, monuments jo hote hain, they are the structures. Monuments ko Hindi mein kaha jata hai smarak. Aur ye banaye jate hain to identify a person or इवेंट. किसी इवेंट के लिए, किसी कोई काम हुआ था या किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाने के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए ये हमारे जो स्मारक हैं वो बनवाए जाते हैं. दे आर नोन एज मोन्यूमेंट. नाउ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, हुमायूं टॉम, इट्स इन दिल्ली, जयपुर सिटी राजस्थान, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है बोध गया बिहार में, जो गौतम बुद्ध थे उनका असलियत में नाम जो था, ओरिजिनली ही वाज अ किंग, उनका नाम था सिद्धार्थ. आप लोगों ने स्टोरी शायद देखी भी होगी, सुनी भी होगी. सो व्हेन ही वाज बोर्न, सो ही वाज अ सन ऑफ अ किंग, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनके लिए फोरकास्ट किया था कि ये बड़ा होकर
जो है राजा नहीं राजपाट नहीं संभालेगा, ये सन्यासी बनेगा, ये कोई गुरु बनेगा, इसकी कोई राज में कोई इसका इंटरेस्ट नहीं होगा। सो हिज फादर ट्राई एवरीथिंग कि जो सिद्धार्थ है वो राजा बने और जो एक्चुअल में जो लाइफ है उसके दुखों से दूर रहे। तो वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन जो सिद्धार्थ हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो असलियत में भगवान को और खुद को पहचानना चाहते हैं। एंड ही नो prayed for many years and finally at Bodh Gaya he had self realization and he realized that what God actually is. और फिर उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और ये वही जगह है बोध गया जहां पर उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था। That means he realized what actually life is all about. So that was a brief discussion about Gautam Buddha's life. Now, Mountain Railways of India, Himachal Pradesh, Qutub Minar and its monument, Delhi. I would like to discuss some facts about Qutub Minar. It's the highest minaret. It was built by Qutubuddin Aibak, but his son-in-law, Iltutmish, he get it furnished for him. और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही ये जो कुतुब मीनार उसका नाम पड़ा। क्वीन स्टेपवेल इट्स इन गुजरात। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। रेड फोर्ट मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। अर्लियर इट हैज 14 गेट्स अमंगस्ट विच द अजमेरी गेट मोरी गेट दीज अ फ्यू मोर एग्जिस्ट टुडे एज वेल एंड इट समथिंग इज लाइक इट्स It is also known, it's not actually factual, पर ऐसा कहा जाता है कि शायद ऐसी बात है, it's not true, इसका कोई proof नहीं है, कि ऐसा कहा जाता था कि अकबर ने एक सुरंग बनवाई थी जो कि रेड फोर्ट से निकलकर सीधा आगरा निकलती थी, तो इस बात की कोई सच्चाई नहीं है पर ऐसा सुना जाता है। Now, rock shelters of Bhimbetka in Madhya Pradesh, They are amazing cars क्योंकि ये जो भीम बेटका की जो चट्टाने हैं यहाँ पर जो कार्विंग्स करी गई हैं। See, mode of communication भाषा है। How you're feeling you can express by speaking, by writing. But when there was no such mode, जब पहले ऐसा कोई मोड अवेलेबल नहीं था उस समय पर क्या होता था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते थे, पिक्चर्स को काव किया जाता था चट्टानों में दीवारों में और उनसे बताया जाता था कि कैसा जो है जो भी उस टाइम की करंट सिचुएशन थी वो रिप्रेजेंट करी जाती थी कि कल्चर कैसा है एंड अबाउट द अदर थिंग्स। सो द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इनको जो चूना होता है उससे पेस्ट किया गया दीवारों पर एंड द मोड ऑफ पेंटिंग द कार्विंग्स यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं दे हैड अ यूनिक मोड ऑफ टू पेंट दीज थिंग्स। वो कैसे पेंट करते थे, विद देयर हैंड्स हाथों से हाथों की उंगलियों से पेंट करते थे फिंगर्स का इस्तेमाल करके और मुंह का इस्तेमाल किया जाता था विद देयर माउथ दे यूज टू स्प्रे पेंट ऑन द वॉल और उससे ड्रॉ किया जाता था। छोटी छोटी जो लकड़ियां होती हैं बहुत छोटी छोटी उनका इस्तेमाल किया जाता था पेंटिंग में, पोज का इस्तेमाल किया जाता था पेंटिंग में। सन टेम्पल कोणार्क इट्स इन उड़ीसा। ताजमहल इट्स इन उत्तर प्रदेश। देयर आर मेनी फैक्ट्स रिलेटेड टू द ताजमहल, अ फ्यू आई वांट टू डिस्कस हियर एंड दे आर कि जो ताजमहल है अ फ्यू इयर्स बैक उसका जो मार्बल था वो येलो होने लग गया था बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन लेवल। आसपास पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर एसिड रेन होनी शुरू हो गई थी। वो पोल्यूशन रेन के साथ मिक्स हो जाता था ड्यूरिंग द क्लाउड फॉर्मेशन। ऐसे कुछ चेंजेस होते थे कि जब बारिश होती थी इट कंटेन एसिड। आई बिलीव आप सबने शायद पढ़ा भी होगा।
साइंस में. सो ऐसे ट्रेन की वजह से जो ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो होने लग गया एंड बाद में आसपास की इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया. और अगर आप जाएंगे तो वहां पर 1 to 2 kilometers ताजमहल आने से 1 या 2 kilometers पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उससे आगे कोई गाड़ी नहीं जाती, सो दैट द जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लीन रहें. ताजमहल के बारे में एक फैक्ट और है कि ताजमहल के बिल्कुल पास से गुजरती है यमुना नदी. सो इतनी पास अगर एक नदी है तो यहाँ की जो सॉइल है वो कमजोर होनी चाहिए थी. ये इतने सालों से खड़ा है और बिल्कुल मजबूती के साथ. सो डोंट यू थिंक देयर मस्ट बी सम यू नो some kind of different things were used in construction. The wood and the material that was used at the base of this, iske base mein ek aisa material lagaya gaya jo ki nami se, theek hai, kyunki paas mein ek nadi beh rahi hai to soil mein water content zyada hoga, to wahan ke moisture se jo material hai wo strong ho na ki weak. And the four structures, बीच में जो डोम है ताजमहल का उसके चारों तरफ मीनार सी हैं, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करें. और दे आर अ लिटिल बिट स्लांटेड आउटवर्ड, ऐसा नहीं आपको तिरछी वो दूर से दिखाई देंगी लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं है. दे आर अ लिटिल बिट स्लांट और वो स्लांट जो है वो तिरछापन जो है दैट इज टूवर्ड्स आउटर साइड्स, वो बाहर की तरफ तिरछी हैं. इन एन एनी केस, इन एन एनी नेचुरल क्लैमिटी, अगर कोई अर्थक्वेक आता है बहुत ज्यादा तो कभी भी वो बीच वाले डोम के ऊपर नहीं गिरेंगी, वो बाहर की तरफ गिरेंगी. दैट्स व्हाई अ टिल्ट इज गिवन टू देम. द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कबूसर, इट्स इन चंडीगढ़, जंतर मंतर इट्स इन राजस्थान, एंड Victorian Gothic and Art Deco and Symbol of Mumbai, it's in Maharashtra. See, Jantar Mantar, आप कहीं भी अगर देखो, they are, you know, the beauty of architecture. क्योंकि वहाँ क्या होता है, अगर आपने कभी कोई Jantar Mantar देखा हो, they have sundial, कि sun की परछाई से हमें समय का पता चल रहा है. Besides, they have certain construction in them which tells us about the celestial bodies. जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र में बदलाव हो रहे हैं वो यहीं से काउंट हो जाते थे. सो द आर्किटेक्चर जो उस समय था दैट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम बिकॉज ऑफ दीज मार्वलस क्रिएशंस. नाउ द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया इज इन हिमाचल प्रदेश. काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स इन असम. किलडो नेशनल पार्क इट्स इन राजस्थान. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम. नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इट्स इन उत्तराखंड. सुंदरबंस नेशनल पार्क इट्स इन वेस्ट बंगाल एंड वेस्टर्न घाट. सी ये जितने भी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, दे आर मेंट सो दैट द एनिमल एंड द नेचर कैन बी प्रोटेक्टेड. आपने एनिमल्स को रखा जू में, आप उनको बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, यू आर गिविंग देम एवरीथिंग, बट व्हाट दे आर नॉट गेटिंग, दे आर नॉट गेटिंग द नेचुरल हैबिटेट वेयर दे यूज्ड टू फ्लरिश. द नेचुरल हैबिटेट गिव देम द बेस्ट, यू नो इट्स द बेस्ट थिंग. आप अपने घर में अपनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं ना, बजाय इसके कि कहीं आपको बंद कर दिया जाए. वेयर यू आर गेटिंग एवरीथिंग बट नो नियर एंड डियर, है ना. तो सिमिलरली the human activity in the national park and in the wildlife sanctuary is prohibited. Sometimes they are allowed with the visitors, but jo aap visitors jate hain, agar hum ghumne jate hain aisi jagah par, to hum wahan par animals ko observe karte hain in their natural habitat, ki wo apne natural habitat mein kaise rehte hain. Aur inko banane ka dusra reason ye hai, conservation. Sometimes due to hunting or due to environmental changes, a species of a plant or an animal is unable to survive. क्योंकि शायद उनको वो जगह और temperature नहीं मिल पाता. So these national park and sanctuaries provide them
the natural environment where they can grow. Now, the next page. The seven sisters. This state is known as Orchid State of India, and due to its rich flora, it is also called the paradise of botanists. The name of the state means land of the dawn. Lick mountains. Farming is the prime occupation of the people here. It's the capital is Itanagar, and this is Arunachal Pradesh. It is paradise of the botanist. Yani ke ye jo botanist hote hain, jo plants ko study karte hain, ye unke liye swarg hai. Kyun? Kyunki yahan par bahut alag alag species ke plants paaye jaate hain. And it is land of dawn. Aapko morning aur evening to pata hai. Inka ek aur word hai jo inke liye use hota hai. That is dawn and dusk. Dawn is morning. जो सुबह सूर्य निकलने का समय होता है दैट इज डॉन, और जब शाम हो जाती है, जब हमारा सनसेट होने लगता है, दैट इज नोन एज डस्क, डी यू एस के, दैट इज डस्क. सो लैंड ऑफ डॉन, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ही सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है. व्हाइल इट इज द लार्जेस्ट स्टेट अमंगस्ट द सेवन स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया. It is also famous for having the world's oldest operating refinery located in Digboi. All the other six sister states share a boundary with the state. The Kaziranga National Park and the Manas Wildlife Sanctuary are two famous UNESCO World Heritage Sites in this state. Its capital is Dispur. And the state is Assam. Assam in seven sisters, यानी कि जिन सात राज्यों की हम बात कर रहे हैं, असम उनमें एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं बाकी छह राज्यों से टच होती हैं. और यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है जो विच इज एंटिटी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पर उन्होंने हेरिटेज साइट दो घोषित करी हैं, और वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ राइटली कंसीडर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ज्वेल ऑफ इंडिया, दिस प्लेस इज ब्लेस्ड विद एक्विजिट नेचुरल ब्यूटी ऑफ ग्रीन वैलीज एंड ब्लू लेक्स. इट इज ऑल्सो surrounded by nine sub-Himalayan range, this state was a birthplace of game of polo. It is famous for this traditional dance Rasleela, which celebrate the divinity of Lord Krishna. The world's only floating national park, Cable Lamjo National Park, is a major attraction. Its capital is Imphal and the state is Manipur. Now, the name of this state is abode of clouds. In Sanskrit, the state prides itself for having the cleanest village in Asia. जो एशिया का सबसे साफ गांव है वो यही है, और ये state है मेघालय. वैसे अगर इस शब्द को हम break करें मेघालय, तो मेघ is cloud and आलय means house. So abode of clouds. Next is initially named as Luzi Hills District of Assam. It became Union Territory in 1972 under its present name, and in 1987 it becomes a complete state. It is its capital is Aizawl, and this is Mizoram. The beautiful state is home to several indigenous tribes of India. It is famous for the war cemetery of the martyrs of World War II in its capital city, Kohima. This is Nagaland. It is one of the smallest state in the country, ruled by Tripuri dynasty for centuries. The princely state joined the Union of India in 1949. NH-8 is the only national highway that connects the state with the rest of the country. And its capital is Agartala. The state we are talking about is Tripura. So here we have discussed
अबाउट द सेवन सिस्टर्स एंड ये जो सेवन सिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा.